नमस्ते टू एवरीवन. आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ आसन्स शेयर करना चाहती हूँ. हम लोगों ने ये कुछ आसन्स को कंबाइन किया है, स्पेशली उन आसनास को जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा में रिकमेंडेड हैं. नॉट ओनली दे हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर बॉडी, पर ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर माइंड, जो कि हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है आज के टाइम में. सो आइए हम सब साथ में ये आसन्स प्रैक्टिस करते हैं. सो ये कॉम्बिनेशन है सूर्य नमस्कार और टिबेटन राइट्स का, और शुरू में कुछ आसन्स हैं और लास्ट में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं. तो ये पूरा का पूरा अराउंड 40-45 मिनट्स की प्रैक्टिस है. सो हम एक के बाद एक मैं बताऊँगी ये कैसे किए जाएंगे. तो आप ये सारे आसन्स अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं. सो वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, सिटिंग ईदर इन वज्रासन और सुखासन. जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द ब्रेथ. तो हम शुरू करते हैं डबल ब्रीदिंग टेक्निक के साथ. डबल ब्रीदिंग टेक्निक में हम दो बार सांस अंदर लेंगे एक साथ और दो बार सांस बाहर छोड़ेंगे एक साथ. जब हम सांस अंदर लेंगे तो हम अपने नाक का इस्तेमाल करेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए हम अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे. मेरा सजेशन है कि डबल ब्रीदिंग टेक्निक अराउंड 10 से 12 ब्रेथ्स तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 10 से 12 ब्रेथ्स होने के बाद जस्ट टेक अ पॉज फॉर अराउंड अ मिनट एंड देन डू अनदर राउंड. आफ्टर डबल ब्रीदिंग स्टैंड ऑन योर मैट एंड विद द हेल्प ऑफ योर फुट maintain shoulder width distance between both your feet. Raise your toes and then keep them back on the mat with more grounding. So now for the next asana, you have to raise both the heels and come on your toes. Go back on the mat and then raise back again. So you need to do this at least for 20 to 25 times. Take a pause and then again another round. For the next asana, we will come in the front of our mat. अब हम साथ में सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करेंगे. सो सूर्य नमस्कार के लिए मेरा सजेशन है यू शुड एट लीस्ट प्रैक्टिस 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार. स्टैंड स्ट्रेट विथ फीट टुगेदर और स्लाइटली अपार्ट एंड क्लोज योर आइज. दोनों हाथ नमस्कार में इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. ब्रीद नॉर्मली. रेज एंड स्ट्रेच बोथ द आर्म्स अबव योर हेड विथ पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स. यहाँ से बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स. ब्रिंग द हैंड्स ऑन द फ्लोर ऑन ईदर साइड ऑफ द फीट एंड ट्राई टू टच द नी विद द फोरहेड. नाउ ब्रिंगिंग द लेफ्ट लेग at the back and the right leg stays in the front, look up. So now from here move the front leg also at the back and come to a plank pose. Lower the knees to the floor, then bring the chest and the chin or your forehead on the floor. From here raise the chest and come to bhujang. Moving on to the mountain pose. Raise your buttocks, lower your head between the arms so that the body forms a triangle with the floor. From here, bringing your left leg in the front in Ashvasanchalan once again. Bringing your back leg in the front, coming to the forward bend. Rising slowly up to the sky and moving back in back bend. And coming back to your heart space with pranamasana or the prayer pose. We will do one more round. This time I will also talk about the breath.
So breathe normally in the pranamasana or the prayer pose. Inhale while raising the arms and coming to back bend. Exhale while bending forward. Inhale while bringing the chest forward and up and stretching the right leg back. Exhale while taking the left leg back in plank pose. Inhale and exhale while coming to Ashtanga Namaskar. Inhale and rise in Bhujangasana. Exhale while raising the buttocks in Parvatasana. Inhale in Ashva Sanchalan. Exhale in Padhasta Asana. Inhale in Hast Uttanasana. And exhale while coming back to your heart space in prayer pose. So after completing 6 or more rounds of Surya Namaskar, spread your legs, spread your hands, and just take a pause, focusing on your breath for a few minutes. तो सूर्य नमस्कार के बाद हम लोग टिबेटन राइट्स साथ में प्रैक्टिस करेंगे. टिबेटन राइट्स कॉम्बिनेशन है 6 आसन्स का, पर हम लोग यहाँ पर आज 5 ही आसन्स करेंगे बिकॉज 6 थोड़ा सा एडवांस्ड है. सो टिबेटन राइट्स में 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पहला ये कि जितने मूवमेंट्स या जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप पहली राइट करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ तक उतने ही नंबर्स को आपने फॉलो करना है. पर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक बीच में राइट थोड़ी इंटेंस ज़्यादा लगे, तो उसमें किया करा तो आप थोड़ा उसको कम कर सकते हैं. पर आपको ट्राई करना है कि आप धीरे धीरे उसको बढ़ाकर उतने ही मोमेंट तक लाएं जितनी आपने फर्स्ट राइट की शुरुआत की थी, जितने मोमेंट्स से. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेथ का. ब्रेथ के बारे में मैं हर राइट में एक्सप्लेन करूँगी आपको, पर उसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको उसमें कहीं भी पॉज नहीं लेना है, उसको एज अ मूवमेंट ही करना है. तो ब्रेथ इनहेलेशन और ब्रेथ एक्सहेलेशन एज अ मूवमेंट रहेगा, कहीं भी होल्ड नहीं करना और कहीं भी पॉज नहीं लेना अपने ब्रेथ में. तो वो आपको और ज़्यादा समझ आएगा जब मैं राइट आपको यहाँ पर हम लोग साथ में करेंगे, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी उसके बारे में. पर अभी के लिए ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 राइट्स. सो लेट अस ऑल स्टार्ट together the 5 rights one after the other. So we will start with the first right. Stand on your mat with feet apart. Check your grounding. Now open your eyes and focus on a point in front of your eyes. Spread your hands by the sides and now we will spin clockwise direction from right to left. Once we finish, we will keep our hands on the side of our waist and we look down for 2-3 breaths. पहले आप देख लीजिए कि ये कैसे होगा और फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं 7 टाइम्स या फिर मोर. लाई डाउन ऑन योर मैट, फीट टुगेदर, पाम्स फेसिंग डाउन. We will raise our feet, head and shoulder together. So when we are going up, we are inhaling, and when we are coming back on the mat, we are exhaling. Also notice that when we are going up, our chin is tugged to our chest. After completing 7 or more rounds, relax for 2 breaths before you move to the third right. Now coming to right number 3, all that you need to do is kneel on the floor. Your feet should either be straight or you can place them flat on the mat. See whichever position of the feet will give you more balance.
Your hands should be placed at arm's length against your thigh muscles. Now bring your chin to your chest and inhaling, you need to arc your spine as you gently move your head backwards as far as it will go. And exhaling, coming back to the original position. Arching your spine, move back and again come back to the base position. Inhale, arch and exhale, come back. So after completing 7 rounds of the third right, sit for a while, observe your breath before moving on to the next right. For right number 4, sit on the floor with your legs stretched out, your feet apart and your hands resting on the floor near your thighs. Bring your chin to the chest and raise the trunk of your body to the horizontal position. Tense all your muscles and then relax back on the mat. Inhaling, go up. Exhaling, come back on the mat. Do this for 7 rounds. And then give yourself a pause for 1 minute. Begin the 5th right by supporting yourself on the palms of your hands, your legs a little away from the mat, both the arms and legs are above 2 feet apart, and tuck your chin into your chest, bringing your body up into a perfect triangle. And exhale as you move to the base position and your head is up and back. Inhale when you raise up and exhale when you're coming to the base position. Complete 7 rounds of 5 rights before you sit and relax for a minute. After finishing all the 5 rights, lie down on the mat upside down, spreading both the legs apart, spreading your arms wide open in Dharalinganam, as if you are hugging the Mother Earth. Stay either with your left cheek on the mat or right cheek on the mat for a couple of breaths. Now bring your legs back together, bring your forehead on the mat and hands parallel to your head and slowly start to raise your head and chest off the mat in Bhujangasana once again. Stay for a couple of breaths. And then come back slowly on the mat by forehead resting on the mat. We will do one more round of Bhujangasana. Slowly coming off the mat, rising up. And coming back on the mat. After completing Bhujangasana, turn upside, spread your arms wide open, palms facing upwards, fold your legs and bring them close to your stomach
and come to the right side and cheeks turn to the left side and vice versa. Do around 10 to 15 rounds of Parsh Pavan Muktasan. You can also try the same asana facing your palms downwards. See if that is more comfortable to you. After you finish around 10 to 15 rounds of this asana, hold your legs close to your stomach and gently relax for a couple of breaths. And then roll either to your left side or your right side. Again, relax for 3 to 4 breaths. Before you sit up in Sukhasana. Again, take a pause, observe your breath for a couple of minutes. Now we will practice Anom Vilom or alternate nostril breathing. Make a pranav mudra with the right hand or left hand. It can be made by bending the index and the middle finger towards the palm. When we bring the right hand up to the nose, we can block the right nostril with the thumb. And then change to blocking the left nostril with the ring finger. The hand which is free can simply rest on your knee with palms facing upwards, or you can make a mudra. Now slowly inhale through the left nostril, close the nostril, and exhale slowly through the right nostril. Inhale through the right nostril and then exhale through the left nostril. This is one round. You can continue at your own pace. My suggestion is that you should at least do Anom Vilom for 5 to 10 minutes. Always start inhaling through the left nostril and finish by exhaling through the left nostril. The left nostril relates to the calming energy of our body, so it will give us more benefits to practice in this way. After you finish Anom Vilom Pranayam, finish the practice by chanting a couple of rounds of Om. You can practice Om for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or keep chanting Om till whatever time you feel like sitting and chanting. So thank you so much for listening to me, and I hope that you were practicing as well with me. So, आपको कोई questions हैं तो आप मुझे directly of course approach कर सकते हैं किसी भी time और मैं pray करती हूँ कि आप सब healthy रहें, आपका mind healthy रहे, आपकी body healthy रहे, आप अच्छा खाना खाएं और आप अच्छा सोचें. Thank you so much.